नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। शिवपुरी में कोरोना पॉजिटिव समीर खान की चौथी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनकी अस्पताल से आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है और इसी क्रम में सीएमएचओ डॉक्टर एएल शर्मा, एसडीओपी शिव सिंह भदौरिया, यातायात थाना प्रभारी रणवीर यादव माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया और तालियां बजाकर स्वागत किया, जिससे लोगों में जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनको लेकर पॉजिटिव संदेश आए। कोरोना से भी लोग ठीक होकर घर आने के बाद वापस अपनी उसी जिंदगी को जी सकते हैं। जब इसी में हमने पीड़ित समीर से बात की तो उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी टीम ने, डॉक्टर्स की टीम ने मेरा पूरा सहयोग किया और मुझे कोरोना से मुक्त करने में मदद की। यहां कितने दिन से आप आइसोलेशन वार्ड में थे? यहां तकरीबन मुझे आज 22 दिन हो गए। आज आपकी छुट्टी हो रही है क्योंकि आपकी रिपोर्टें सारी नेगेटिव आ गई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रबंधक और प्रशासन के लिए? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और मैं अस्पताल के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी और उनकी मेहनत का ही आज फल है जो मैं नेगेटिव आ चुका हूँ। और ऐसे ही उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमेशा अपने पेशेंट को ऐसे ही रखे ताकि बाहर जाके वो जो सुनता था मैं कि भगवान का रूप डॉक्टरों में देखा जाता है, आज मैंने महसूस किया उस बात को और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस बात को। और मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी हैं। पूरे जिला मेरे लिए दुआएं कर रहा था और आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि आज हमारा जिला मुक्त हो चुका है कोरोना से और अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करे इस दुनिया से ताकि लोग बाग पहले से स्वस्थ हो जाए, पहले जैसे हो जाए। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को पालन करें, घर में स्वस्थ रहें और कोरोना को हल्के में ना लें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे, नगर देशवासी स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, सीपरी के कलेक्टर एसपी के लिए आप कुछ कहना? कलेक्टर मैम और एसपी साहब के दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से पूरा प्रशासन को संभाल रखा है और जनता का सहयोग करके जनता को लॉकडाउन करवा के उन लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करवाया हर जनता को। अस्पताल के स्टाफ के बारे में भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों ने मेरे बहुत मेहनत करी, उन लोगों ने मुझे नर्स से लेकर वार्ड बॉय तक सब ने मेरा बहुत